स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई विल टीच यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी एक वाक्य में जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है. शब्द भेद, वो एक वर्ड है, वो कितने प्रकार का हो सकता है. वो वर्ड आपको पता है, वर्ड को जानते हैं हम, लेटर, कुछ लेटर्स होते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है. तो एक सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं ना, वो किस किस प्रकार, वर्ड्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल ए टाइप के होते हैं. कितने टाइप होते हैं? ए टाइप के होते हैं. आठ प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये आठ प्रकार होते हैं. किसी भी सेंटेंस में आठ प्रकार के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. और अब हम देखेंगे इनको इंडिविजुअल पढ़ के कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, इस तरह ये सारी चीजें. तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? नाउन के बारे में. और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. क्या कहते हैं? संज्ञा. यह यदि जानना, किसी चीज को जानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा. इंग्लिश में सब कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर. किसी को जानने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो संज्ञा कहलाती है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर ये वो चीज है, अगर मैं कह दूं वो चीज है, लेकिन आप उसको क्या कहोगे? पंखा कहोगे. जो ही मैं पंखा कहूंगा आप समझ जाओगे, क्योंकि पंखा क्या है? फैन क्या है? नाउन है. सर उसने तोड़ दी. क्या तोड़ दी? कुर्सी. तो जो ही चेयर कहोगे तुम समझ जाओगे. मतलब जब नाउन नहीं है तो किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता. सुनाई बात? किसी को जानने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा. अब आपके ध्यान में प्रश्न उठेगा, बहुत सारे उठेंगे कि सर तो क्या चेयर भी संज्ञा नाउन है, टेबल भी नाउन है, सर ब्लैकबोर्ड भी नाउन है, सर चौक भी नाउन है, सर पेन भी नाउन है, सर शर्ट भी नाउन है, सर विंडो भी नाउन है, फैन भी नाउन है, हॉल भी नाउन है, रूम भी नाउन है, क्लास भी नाउन है. हाँ, एवरीथिंग यू सी, जो भी आपको दिखता है, एवरीथिंग यू फील, जो भी आप महसूस करते हो, एवरीथिंग यू कैन टच, जो भी तुम छू सकते हो, वो सब नाउन्स हैं, वो सब संज्ञाएं हैं. जो जानने में तुम प्रयोग करते हो वो सब संज्ञाएं हैं. तो समझ आया? अब नाम के एग्जांपल देखना. ऋतु, ऋतु समझ, किसी को जानने के लिए काम लेता ऋतु. ऋतु मेरी सिस्टर है, मतलब कि ऋतु. मोहित, इंडिया, तुम देश में रहते हो तो देश तो बहुत सारे हो गए, लेकिन किस देश में रहते हो? भारत देश में रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो इसको स्पेसिफाई कर दिया. फैन, पंखा, बॉय, लड़का, एलिफेंट, हाथी, ये सब क्या है? नाउन्स है. तो नाउन्स है बहुत सारी, सर आप बता रहे हो बहुत सारी नाउन होती है, तो फिर मतलब कैन दे बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, की उनको कुछ भागों में बांटा जा सकता है? यस, नाउन्स जो है, टाइप्स ऑफ नाउन्स फाइव टाइप्स की होती है. नाउन कितने प्रकार की होती है? फाइव टाइप्स होती है. उसमें सबसे पहला है, इसको अपन गहराई से पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी व्यक्ति या स्थान का स्पेसिफिक नाम. अगर मैं कह दूं मैं गांव में रहता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा. गांव तो बहुत सारे होते हैं सर, बहुत सारे गांव होते हैं. लेकिन मैं ये कह दूं मैं भोपालगढ़ में रहता हूं, तब तो समझाओ अच्छा मतलब स्पेसिफाई क्या नहीं किया. तो अगर किसी को स्पेसिफाई किया जाए किसी स्थानीय व्यक्ति को, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है. मान लीजिए एक लड़के का जन्म हुआ. अब लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लड़के का नाम रख दिया राघव, तो वो क्या होगी? प्रॉपर नाउन. समझ गए मेरी बात? तो नाउन का स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति या स्थान का, है ना. जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, तो वो होगी कॉमन नाउन. बहुत सारी लड़कियां होती है, कॉमन का मतलब होता है जाति वाले, जो जाति को रिप्रेजेंट की, जिसके जैसे बहुत सारे लोग, जिसे जैसे बहुत सारी चीजें होती है. जैसे लड़की है, बहुत सारी होती है, लड़के बहुत सारे होते हैं, पैरेंट बहुत सारे होते हैं, काउ बहुत सारी होती है, अपनी खुद की एक होती है कैटेगरी. जैसे मान लीजिए क्रो, उसकी अपनी एक कैटेगरी होती है, बिल्ली, कैट, उसकी अपनी एक कैटेगरी होती है. तो ध्यान रखना है कि जो पूरी कैटेगरी को कोई वर्ड शो कर रहा है तो वो तो होती है कॉमन नाउन, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे अपन किसी चीज को तो वो होती है प्रॉपर नाउन. मान लीजिए एक लड़की खेल रही है, तो वो गर्ल कौन सी है? कॉमन नाउन है.
उसी गर्ल्स का अगर अपना नाम ले ऋतु खेल रही है तो कौन सी नाउन हो जाएगी? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम उसका एक स्पेसिफिक नाम लग रहे हैं। ठीक है चलो, तो नाम हो गया स्पेसिफिक पर्सन, जैसे मान लो प्लेस सुरभि है, रोमन है, जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर, कोटा, ये सारे जितने भी किसी भी देशों का नाम है तो वो सारी कहलाएगी प्रॉपर नाउन। बोलो सब में आया? Yes, तो मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट, तो ये कैट वर्ड कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कह दूं मेरी कैट का नाम जो है वो, मतलब मेरे कैट का नाम किट्टू है, अब अगर आपके पास कोई बिल्ली है और उसको एक स्पेसिफिक नेम से अगर आप जानते हो तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। समझ लो एक लड़का है, लड़के का नाम अमित है, तो ये अमित जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, और लड़का कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। बोलो समझ में आया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल और पूछ लेता हूँ। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, ये कुत्ता शब्द क्या है? प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है बताओ? कॉमन नाउन, क्योंकि कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं सर। लेकिन मैं कह दूं मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है तो क्या हो गया? उनको स्पेसिफिक नाम बना दिया जाए किसी का। समझ आया? मोर उड़ रहा है तो मोर कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की भी मोर एक पूरी कैटेगरी है, लेकिन अगर मोर का कोई नाम रखते हैं, अपन स्पेसिफिक नाम रखते हैं किसी मोर का, तो वो क्या बन जाएगी? प्रॉपर नाउन बन जाएगी। चलो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है द वर्ड दैट शोज ग्रुप ऑफ समथिंग, ऐसा शब्द जैसे कुछ ग्रुप समूह का वर्ड होता हो, समूह जैसे बता सकता हूं। जैसे मान लो टीम है, मेरी टीम खेल रही है, अब टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते नहीं होते? आर्मी यानी सेना, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते नहीं होते? बहुत सारे सैनिकों से मिलकर आर्मी बनती है। जैसे हर्ड है, हर्ड का मतलब झुंड, वो जैसे मान लो भेड़ों का झुंड, हिरणों का झुंड, बकरियों का झुंड, तो वो ग्रुप बताता है। और क्लास, क्लास का मतलब कक्षा, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते नहीं होते? तो ऐसे नाउन जिसे बहुत सारे ग्रुप का, बहुत सारे संख्या का पता चलता है वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामग्री यानी नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जान नहीं होती है, बेजान चीजें वो मटेरियल कहलाती है। अब बेजान क्या? टेबल, कुर्सी, चौक, दीवार, कमरा, ये सारी चीजें जो है मटेरियल नाउन कहलाती है। बोतल, बताओ बोतल कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। चौक, चेयर, टेबल, वो सारी जो है पदार्थवाचक संज्ञा, ये कहलाती है द नेम ऑफ एनी मटेरियल, जैसे गोल्ड है, टेबल है, चेयर है, पेन है, बैग है, एटीसी। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, वो है आवश्यक नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा, जिसको सिर्फ ये जिसको है ना अपन देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द नेम ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, आप महसूस क्या करते हो, आपकी भावनाएं क्या है, वो जो कहलाती है वो आवश्यक नाउन कहलाती है। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी दिखाई देती है, महसूस कहती है बहादुरी है, विजडम, बुद्धिमत्ता, अब बुद्धि को देख सकते हैं क्या? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रदरहुड, भाईचारा, जॉय, खुशी, हमारा फियर, डर, तो ये डर, भाईचारा, ईमानदारी, ये सारी क्या चीजें हैं? वो है आवश्यक नाउन। अब आई एम गोइंग टू गिव यू सम वर्ड्स एंड यू हैव टू क्लासिफाई ऑल द वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, उनकी कैटेगरी के अनुसार आपको वर्ड्स को जो है वो क्लासिफाई करना है। बहुत सारे वर्ड जमल करके डालूंगा एक बॉक्स में, आपको निकालना है। अगर वो कलेक्टिव नाउन निकल रही है तो कलेक्टिव नाउन में लिखना है, अगर वो अवेस्टेड नाउन निकल रही है तो अवेस्टेड नाउन में लिखना है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में लिखना है, और अगर वो कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन में लिखना है। डिड यू गेट इट? यस सर। थैंक यू।